Hello students, now concept of normality. Normality में और molarity में सिर्फ और सिर्फ solute की term का ही difference है. Molarity में क्या था? Number of gram moles of solute present in 1 liter of solution. और normality में क्या आएगा? नॉर्मैलिटी में आएगा सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट मास, कि सॉल्यूट का कितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है एक लीटर सॉल्यूशन में, उसे हम उस सॉल्यूशन की नॉर्मैलिटी कहते हैं. तो नॉर्मैलिटी को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं. नॉर्मैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन मे बी डिफाइंड as the number of gram equivalent mass of the solute present per liter of the solution. तो अगर हमें इसे mathematically represent करना हो तो कैसे represent करेंगे? ऊपर आएगी gram equivalent of solute divide by volume of solution in liter. अभी volume of solution in liter तो समझ में आता है, लेकिन gram equivalent ऑफ सल्यूट का क्या मीनिंग है, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्यूट का क्या मीनिंग है? इसको निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्यूट. इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास एसिड, बेस, साल्ट, एलिमेंट और आयन, इन सभी का डिफरेंट डिफरेंट मेथड से निकालते हैं. तो यहां से यूनिट क्या बनेगी नॉर्मैलिटी की? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर या फिर इक्विवेलेंट पर लीटर. ऊपर ग्राम इक्विवेलेंट है और नीचे लीटर है, तो ये यूनिट होगी इसकी. अब बात है कि अगर सॉल्यूट हमारा एसिड है तो उसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड क्या आएगा? मोलर मास ऑफ एसिड डिवाइड बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड. अब बेसिसिटी ऑफ एसिड का मीनिंग क्या है? जैसे एसिड दे रखा हमें HCl, तो इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकाल लेंगे? ऊपर तो आएगा इसका मोलर मास कितना है, हाइड्रोजन का मास 1, क्लोरीन का 35.5, डिवाइड बाय इसकी बेसिसिटी. बेसिसिटी का मतलब है कि ये कितने H पॉजिटिव आयन अपने रिप्लेस कर सकता है. इट मीन्स कि ये वाटर में डिजोल्व होकर कितने H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है उतनी इसकी बेसिसिटी होती है. तो एक H पॉजिटिव है इसमें, तो ये एक ही H पॉजिटिव रिलीज करेगा, तो इसकी बेसिसिटी 1 हुई. इसी तरीके से H2SO4, H2SO4 का मास कितना आएगा, इसका मोलर मास कितना आएगा? 2 × 1 प्लस सल्फर का 32 प्लस 4 × 16 ऑक्सीजन का मास है, तो इन सभी को कैलकुलेट करेंगे तो 98 आएगा. तो इट इज़ द मोलर मास ऑफ H2SO4 डिवाइड बाय इसकी बेसिसिटी. बेसिसिटी का मतलब है कि ये कितने H पॉजिटिव आयन रिप्लेस करेगा. तो कितने H पॉजिटिव आयन देता है ये? मैक्सिमम 2 H पॉजिटिव आयन देता है इसका एक मॉलिक्यूल, तो इसकी बेसिसिटी 2 हुई. तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा, इसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा. उसी तरीके से CH3 COOH, ऊपर तो आएगा इसका मोलर मास कितना होगा, 60 यूनिट, डिवाइड बाय इसकी बेसिसिटी. बेसिसिटी का मीनिंग कितने H पॉजिटिव देता है. अब इसके फॉर्मूले में हमें 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, लेकिन ये एक ही H पॉजिटिव देता है सॉल्यूशन के अंदर, एक ही H पॉजिटिव को रिप्लेस करता है, तो इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी हुई, 1. तो ये इसकी क्या आ गई, इक्विवेलेंट मास. तो उसी तरीके से इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस का फॉर्मूला बनेगा मोलर मास ऑफ बेस डिवाइड बाय उसकी एसिडिटी. अब एसिडिटी ऑफ बेस का मीनिंग क्या हुआ? बेस
कितने OH नेगेटिव आयन रिप्लेस करता है सॉल्यूशन के अंदर उसे उसकी एसिडिटी कहते हैं। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक OH नेगेटिव रिप्लेस कर सकता है तो इसकी एसिडिटी 1 हुई। CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दो OH नेगेटिव को रिप्लेस कर सकता है तो इसलिए इसकी एसिडिटी 2 हुई। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट कैसे निकालती है, मोलर मास ऑफ साल्ट डिवाइड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कटायन। पॉजिटिव चार्ज जितना भी होगा कटायन के पास वो डिवाइड में रखना है हमने। नेक्स्ट इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट निकालना, तो उसका क्या फॉर्मूला बनेगा, उस एलिमेंट का मास डिवाइड बाय उसकी वैलेंसी। उसी तरीके से इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन निकालना हो तो उस आयन का ऊपर फॉर्मूला मास, यानी कि जितना उसका मास है डिवाइड बाय चार्ज उसके ऊपर जो भी है, तो वो उस तरीके से उसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। अब सुपोज करो हमें दो सॉल्यूशन दे रखे हैं, पहले सॉल्यूशन की नॉर्मैलिटी है N1, दूसरे सॉल्यूशन का की नॉर्मैलिटी है N2। पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम है V1, दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है V2। फिर क्या किया, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद जो नया सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन की नॉर्मैलिटी क्या होगी, N3, और वॉल्यूम क्या होगा, वो तो दोनों को ऐड करके ही आएगा। तो वहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास N1V1 प्लस N2V2, ये दूसरे सॉल्यूशन की नॉर्मैलिटी और वॉल्यूम है, ये पहले सॉल्यूशन की नॉर्मैलिटी और वॉल्यूम है, इज इक्वल टू जो मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी नॉर्मैलिटी N3। तो इस फॉर्मूले का हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। अभी है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मैलिटी। मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी में क्या रिलेशन है, देखो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है उसको अगर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से हम मल्टीप्लाई कर दें तो कट कर जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला किसका बनेगा, स्ट्रेंथ का, जो सबसे पहला हमने एक्सप्रेसिंग का मेथड पढ़ा था। उसी तरीके से अगर नॉर्मैलिटी को हम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई कर दें तो नॉर्मैलिटी का इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट कट जाएगा और जो फॉर्मूला बचेगा वो किसका बनेगा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का। तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल। तो ये इक्वल रख दिया हमने दोनों को, इक्वल रख के मोलैरिटी को नॉर्मैलिटी के नीचे ले गए और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के नीचे क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या होता है, एन। हमने अभी पढ़ा है ना, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, यहां से ये सारे के सारे क्या बनेंगे, एन बनेंगे। तो यहाँ पे एन आ जाएगा, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू में एन। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल से इसको देखते हैं कि मान लो हमें 0.1 H2SO4 दे रखा है और उसकी नॉर्मैलिटी पूछ ली तो क्या आएगी, नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एन इनटू में मोलैरिटी। एन क्या होगा, जितनी इसकी बेसिसिटी है, एसिड है ना ये, तो इसकी बेसिसिटी होगी 2, मल्टीप्लाई में इसकी मोलैरिटी कितनी है, 0.1। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं इसके, तो एन की वैल्यू को समझाने के लिए ये न्यूमेरिकल था।